सो हेलो एवरीवन, जैन कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी के सभी अच्छे हो गए। सुबह टॉपिक किस रिगार्डिंग होने वाला है? टॉपिक मैं बता देता हूँ, वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है, अनदर जीडी टॉपिक। जीडी टॉपिक क्या है? एडवर्टाइजमेंट। वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करने के बाद क्या, अभी रुक जा भाई। पॉज करने के बाद जाओ कॉमेंट सेक्शन में, और जो भी आपको एक दो तीन लाइनें एडवर्टाइजमेंट के बारे में आती हूँ अपने आप जाके लिख दो, बता दो, कमेंट कर दो। और ये भी बताया करो कि नेक्स्ट टॉपिक मैं किस जीडी टॉपिक पर लेके आऊँ। वैसे मुझे पता है मैं प्रीवियस वाले करा रहा हूँ, और एक दो एक्सपेक्टेड भी कराऊंगा, मतलब एक्सपेक्टेड भी कराएंगे, प्रीवियस भी कराएंगे, सब कराएंगे। बट यहाँ पे क्या है, पहले मैं सोच रहा हूँ पहले प्रीवियस वाले करा देता हूँ जो अभी रैली पे आए थे, लाइक ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ईव टीजिंग, और बहुत सारे टीचर वर्सेस सोल्जर, वुमेन एम्पावरमेंट, को एजुकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने को कवर अप करने, धीरे धीरे करते चलेंगे। सो डोंट वरी। अब एडवर्टाइजमेंट भाई टॉपिक, एक बात और बता देता हूँ, पीडीएफ लेना, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले के दो तीन जो इंट्रो वाला वीडियो था अपना, क्योंकि आपको दो चीज़ें भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर तो आपका सेल्फ, मतलब कि जो इंट्रो होगा वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा वहाँ पर आपको बनने वाला है, ठीक है। अलग आपका इंट्रो होगा, आप अलग दिखोगे। दूसरा एक तो मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, और दूसरी जो चीज़ आपकी बनती है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा बारा भी टॉपिक के बारे में पता होगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ दो चार पाँच शब्द टॉपिक के बारे में, बस उतना ही भाई दिमाग पे ऐसे ही घुमा फिरा लोगे, आपका हो जाएगा। जीडी इतना हार्ड नहीं होता। चलो डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या भाई। एडवर्टाइजमेंट देखो, एवरीथिंग के मैं वही बात बोलूंगा कि हर एक चीज़ के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। लाइक मैं पहले इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लेता हूँ, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आपको लेके चलूंगा, और दो और तीन तरीके से मैं बता दूंगा इंग्लिश पे, थोड़ा सा हिंदी पे डिफाइन करके। आपको उसमें से एक कोई भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसी को नोट डाउन कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। सो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। चलो मैं पॉजिटिव की पहले बात कर लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? लाइक विज्ञापन होता है। अब एडवर्टाइजमेंट मैं कहता हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो पहले फायदे की बात कर लेता हूँ। फायदे लाइक यार हम कभी मतलब अपना बिजी शेड्यूल होता है, मैं कहता हूँ बिजी शेड्यूल होता है, लाइक हम कहीं पे किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ शायद ये सही हो। लेकिन समटाइम्स यही, इसी को निगेटिव में समटाइम्स अगर यही एडवर्टाइजमेंट हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि भाई यही ग्रेट है, यही बेस्ट है, दूसरा कोई इसके कंपेरिजन पे है ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी ऐसी मतलब गड़बड़ चीज़ें भी शो करता है, लाइक अब मैं बोल सकता हूँ न्यूडिटी शो करता है, जहाँ पे मतलब कि लाइक अब मैं बोल सकता हूँ, आप एग्जांपल्स के लिए बोल सकते हो चिल्ड्रेंस पे, उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ समटाइम्स ये अच्छा भी होता है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, लाइक हम बहुत सारी इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन जान पाते हैं। कोई भी अब आज के ज़माने में तो हर एक चीज़, अब यूट्यूब खोलो, मेरा वीडियो देख रहे होगे, इससे पहले आप किसी ने लाइक अब अनअकैडमी भी, तो यहाँ पे अनअकैडमी हो गया, परीक्षा ऐप हो गया, अप टेक्स्ट बुक, जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं, इनका भी तो ऐड आता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा निगेटिव पे जाए, बस आपको करना क्या है, यहीं पे किसी को पॉजिटिव पे चले जाना है, किसी को निगेटिव पे चले जाना है। निगेटिव पे भाई क्यों जाए, हम तो पॉजिटिव पे ही जाएंगे, ऐसा भी किसी का बन रहा होगा। तो देखो भाई, जरूरी नहीं कि निगेटिव पे ही जाना है, बट पॉजिटिव पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव पे ही जाना, निगेटिव पे क्यों जा सकते हो, कुछ उसके बैड इफेक्ट भी हैं। ऐसा नहीं, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, फेयर एंड लवली क्रीम सुना होगा, विज्ञापन भी देखा होगा आप सभी ने टीवी पे, ठीक है। सो उसका उसमें क्या है कि आपके पास अगर फेयरनेस है, अगर आप सुंदर हैं तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है, लाइक ऐसा कुछ वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ विज्ञापन वो दिखाया गया है ना, आप में लोगों में से देखा हो तो बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कुछ निगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। बाकी चलो मैं फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आप वहाँ पर कुछ फैक्ट पढ़ोगे, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा, बट आपको अपने व्यूज़ बताने जरूर हैं। अगर आपका बेस्ट रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर पिक भी करने वाला हूँ, बाकी नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर फॉरवर्ड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करो, ना आया करो तो डिसलाइक मार दिया करो। बाकी थैंक यू। चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। जीडी वीडियोस का जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो उनसे बात चल रही है, वैसा यार कोई भी नहीं करता उनसे, मतलब कोई सी से कह दो भाई वीडियो बना के कर दो, तो वीडियो बनाना इतना फेस कैम पे आके कैमरे पे बनाना इतना ईजी भी नहीं होता। बट कैंडिडेट से मैंने बोला है, बहुतों से बोला है, एक दो मतलब दो तीन दोस्त हैं जो एयर पोस्ट हैं, तो उनसे भी मैंने बोला है, तो कह रहे थे कि भाई टाइम निकाल के कर देंगे, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। बाकी ये वीडियो जरूर मैं बिफोर द जीडी मतलब कि करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक थर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन एवरीवन। मैं बोल सकता हूँ किसी के ऊपर, सभी के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट। When we talk about advertisement, it has advantage and disadvantage too. इसके कुछ ना कुछ advantages और disadvantages तो होते हैं, वो तो हर एक चीज़ के होते हैं, pros and cons. We know that it should not be possible to ban the advertisement because around $600 billion money that is spent on the only advertisement. Advertisement पे इतना means money आपका spend किया जाता है।
एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब आपको जिस टॉपिक पे जा रहे हो, आपको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपको लगता है मैं एडवर्टाइजमेंट में के फेवर में जाना चाहता हूँ, आपको पर्सनल क्या लगता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट से फ़ायदा होता है नुकसान होता है, दूसरों को आपको केवल खुद का नहीं देखना दूसरों का भी देखना है कि लाइक आपके घर पे है कोई तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और डेफिनेटली उस बेसिस पे आपको ये देखना है कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट है। चलो मैं फायदे बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट गिव्स अस आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड आल्सो दैट वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन मैनी प्रोडक्ट एंड वी कैन बाई अ बेटर प्रोडक्ट। हमें कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट हमें एक आइडिया देता है कि ये वाला प्रोडक्ट ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट गड़बड़ है, ये तो आपको खुद जज करना चाहिए। बट यहाँ पे मतलब जज तो आप खुद ही करोगे, बट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये जान पाते हो। फर्स्ट नंबर ये हुआ। सेकेंड क्या, नाउडेज वी हैव बिजी शेड्यूल so we can go everything in the market to shop something or for information or ideas about new product at this time advertisement help us। मतलब हम जैसे मार्केट पे जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं एक ही टाइप के, उस टाइम पे हमारा एडवर्टाइजमेंट हमें हेल्प करता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट था, मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना, ये वाला प्रोडक्ट मुझे नहीं लेना, ये सेकेंड वन। थर्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू यूज सम प्रोडक्ट सो बाई द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे कैन अंडरस्टैंड। मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कैसे इस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, भाई तो कर लेते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो जान जाते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। बट ये भी मुझे कुछ ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगा मैंने, बट कर दिया कि तीन पॉइंट तो इसमें बनने चाहिए। डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इन द एडवर्टाइजमेंट ऑल प्रोडक्ट्स सो दैट दे आर सुपीरियर सो पीपल कैन आल्सो कन्फ्यूज्ड अबाउट विच प्रोडक्ट दे शुड बाय। यहाँ पे भाई एडवर्टाइजमेंट पे हम देखते हैं एक चीज़ ये भी कि भाई बस यही है और कुछ इसके कंपैरिजन में है ही नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर किसी दो चीज़ का मतलब कंपैरिजन करते हैं, कोई दो चीज़ें दिखा रहा है, लाइक किसी दो चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है, किसी दो मोबाइल फ़ोन्स का कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा लें। दोस्त से पूछोगे, अपनी मम्मी से पूछोगे, पापा से पूछोगे, किसी ना किसी सिस्टर से पूछोगे कि भाई कौन सा लें सिस्टर, ठीक है ऐसा। अगला, मैनी टाइप्स ऑफ बोल्ड एंड एडल्ट एडवर्टाइजमेंट आर नॉट गुड फॉर एज वेल एज अवर चिल्ड्रन टू। मतलब कि अपने बच्चों के लिए लाइक यहाँ पे जितना भी है, ठीक है, आप चिल्ड्रंस बोल सकते हो कि यहाँ पे ऐसे काफ़ी एडल्ट एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं लाइक टेलीविजन पे, सो उनसे एक बैड इफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एज मैनी पीपल मैंशन अबाउट द एड ऑफ फेयर एंड लवली आई ऑल्सो विद दैम दैट दिस सो कलर डिस्क्रिमिनेशन। वो कलर डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं लाइक कि ये गोरा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, डार्क एंड मतलब कि ऐसा वैसा दिखाते हैं, ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अगला, ये पॉइंट आपको तब बोलना है जब आपका ग्रुप ZD चल रहा हो और आपका नंबर आए, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो एज मैनी पीपल मेंशन, जैसे कि सभी लोगों ने बताया, मैनी पीपल मैनी की जगह बोल सकते हो एज ऑल ऑफ यू मेंशन अबाउट द अबाउट, मतलब कि बोल सकते हो तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू फेयर एंड लवली आई ऑल्सो विद देम दैट मतलब एग्री विद देम दैट दे सो कलर डिस्क्रिमिनेशन। अगला, आई डोंट थिंक दैट इज गुड आइदर फॉर आवर कंट्री और आइदर इन अदर कंट्री। ओके, यहाँ पे मैंने बिल्कुल निगेटिव पे चला गया कि यहाँ पे भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। देयर आर मैनी किड्स देयर पीपल एंड चिल्ड्रन डूइंग द सेम थिंग दैट इज सोन इन एडवर्टाइजमेंट एंड मतलब बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट देख के वैसा ही फॉलो करने का मतलब कोशिश करते हैं, बच्चे हों या फिर चिल्ड्रेन हो, कोई भी हो, दे गॉट इंजर्ड एंड सम केसेस दे गॉट डेड टू, मतलब कि घायल हो जाते हैं। लाइक अभी आपने देखा होगा ना टिकटॉक वाला, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुई कि टिकटॉक बनाने के चक्कर में नदी में बह गए, गिर गए, तो ऐसा। सो इन माई ओपिनियन दोज एडवर्टाइजमेंट शुड बी बैन दैट सो इम्यूडिटी। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे एडवर्टाइजमेंट बैन नहीं होने चाहिए। आप इस ऐसा बोल सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट बैन नहीं होने चाहिए बिकॉज इसके प्रॉफिट्स भी हैं, बट ऐसे एडवर्टाइजमेंट बंद होने चाहिए जो न्यूडिटी दिखाते हो, एडल्टिज्म दिखाते हो, कलर डिस्क्रिप्शन दिखाते हो और दे क्रिएट सम अदर इश्यू, जो अदर इश्यूज़ को क्रिएट करते हो, आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देना चाहिए। थैंक यू। टाइप सेकेंड, हाई फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट इज़ द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा मतलब कि रास्ता है, ठीक है, जिससे जो कंपनी और कस्टमर्स के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, बिटवीन यहाँ पे लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेजेस ऑफ एड्स ओवर शैडोज इट्स डिसएडवांटेजेस। मैनी इन्फॉर्मेटिव एड्स लाइक पोलियो, तंबाकू, इल इफेक्ट्स, रूरल डेवलपमेंट आर बींग फीचर्ड ऑन टेलीविजन। लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं जैसे पोलियो के, तंबाकू के, तो वो एक टेलीविजन पे तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कहाँ पे, जो गाँवों पे लोग रहते हैं उनके ऊपर पड़ता है, तो ऑल ओवर है बट फिर भी मोस्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बींग ऑन टेलीविजन विच प्रोवाइड्स दोज इन्फॉर्मेशन विच अ लेमैन वुड नॉट बी नोइंग बट इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर देम एंड आई डोंट एग्री दैट एड्स कैन मिसलीड कस्टमर। एड्स
एस मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एड्स मिसलीड नहीं करते कस्टमर को, एड्स जस्ट गिव्स यू इनसाइट अबाउट द प्रोडक्ट। एड्स आपको केवल एक रास्ता दिखाते हैं एक प्रोडक्ट की तरफ, इट डज नॉट फोर्स यू टू बाई, वो आपको फोर्स नहीं करते कि हाँ बाई करो भाई बाई करो, नहीं तो आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इट डज नॉट फोर्स यू टू बाई दैट प्रोडक्ट और अवेल दैट सर्विस एंड कस्टमर्स आर नॉट टू फूलिश दैट दे विल फॉलो एंड ब्लाइंडली, ठीक है। बाकी कस्टमर्स तो फूलिश होते नहीं, मूर्ख तो होते नहीं कि वो हाँ बाई कर लें बिल्कुल मूर्खतापूर्वक। सो बैनिंग द एड्स इज नॉट नो सॉल्यूशन, इट जस्ट कस्टमर्स शुड चूज वाइजली। बैनिंग द कह रहा है कि यहाँ पे एड्स को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे बस कस्टमर्स शुड चूज वाइजली, कस्टमर को वाइजली चूज करना चाहिए दैट विच प्रोडक्ट दे शुड बाई आफ्टर वॉचिंग इट्स एडवर्टाइजमेंट, उसे कौन सा प्रोडक्ट बाई करना है उसका एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड, टाइप थर्ड, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके फेवर में गया था, ऊपर वाला अगेंस्ट में गया था और फर्स्ट वाला यहाँ पे बोथ साइड पे रहा था। समटाइम आपको जो भी चूज बेस्ट लगे वो आप उसके फेवर में जा सकते हो। समटाइम्स वी हैव सीन सम बैनर ऑफ द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रिटर्न सेव इलेक्ट्रिसिटी। हम बहुत टाइम ऐसे मतलब बैनर देखते हैं जिसमें लिखा होता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की, जिसमें लिखा होता है सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव वाटर, ठीक है। सो ये वाले जो होते हैं वो अपने लिए फ़ायदेमंद होते हैं, अब कह दो बैन कर दो भाई इसका नहीं। और ऐसे बैनर पर लाइक हम कहीं पे जाते हैं रास्ते पे तो अगर दीवार पे कुछ लिखा होता है तो उसे हम जरूर पढ़ने का कोशिश करते हैं। भाई आपने भी ये फील किया होगा, मैं तो करता हूँ, आपका वैसे पता नहीं, ठीक है। और इज अबाउट द प्रिक्यूशन, सो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ओनली फॉर सेल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी बैंड। थैंक यू, जय हिंद फ्रॉम अंशु चौहान। बाकी थैंक यू गाइज, जैसा भी वीडियो लगा हो कॉमेंट में बताना, आपके जो व्यूज हो वो भी कॉमेंट में बताना। टेक केयर एवरीवन, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नया हो तो डिसलाइक मार देना, शेयर करना जरूर। ऑल द बेस्ट।